प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पीडीएस मशीन से सत्तानाश वितरण करने की योजना अब गरीबों के लिए जी का जंजाल बन गया है। भोपाल से सर्वर बंद होने के चलते दुकानों पर अनाज का वितरण नहीं हो पा रहा, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों पर सेल्समैन को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां एक महिला अनाज नहीं मिलने पर मशीन को तोड़ देने की धमकी दे रही है। लिंक बंद होने के चलते आज अलीराजपुर जिला मुख्यालय की सभी सोसाइटियां भी बंद रही और बाहर दरवाजे पर लिंक फैल का पोस्टर लगा दिया। सेल्समैनों का कहना है कि खाद्य विभाग के अधिकारी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जब सर्वर चालू हो जाएगा तो दुकानों पर राशन वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस की जोबट विधायक कलावती भूरिया ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से वादा किया था कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ राशन कार्ड से ही गरीबों को राशन मिलेगा, मगर लगता है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक कलावती भूरिया अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में मशीन से राशन वितरण को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। वहीं जिले के खाद्य विभाग के अधिकारी के द्वारा जिले के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे थोड़ा धैर्य बनाए रखें, सभी को राशन मिलेगा। सर्वर की तकलीफ के चलते थोड़ी परेशानी हो रही है, एक दो दिन में समस्या का हल हो जाएगा। हमको गल्ला होना, एक गोपिन लेके और हमको मशीन नहीं, हमको गल्ला होना, हमका कार्रवाई करो, हमारी मशीन मशीन नहीं होना यहाँ पे, ये मशीन का माँ का भोसड़ा नहीं है, बोल रही हूँ और डालूंगी और जोबर से के वापस आ रही हूँ, बच्चे को रख के आ रही, नहीं तो अभी बता दूँ फिर हाल में मेरे को मुलजिम बना के लेगा मेरे बच्चे को, हॉस्टल में नहीं निकले तो मेरा तुम्हारा जूता और मेरा सर, मैं तो बे जूता मारूंगी साले, हमको हमको गल्ला होना, मशीन फोड़ रही हूँ।